ग्यारकुंड अंचल के विभिन्न क्षेत्रों में सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मंगलवार की सुबह ग्यारकुंड अंचल सीओ सुश्री अमृता कुमारी के नेतृत्व में क्षेत्र का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान मुगमा गल्फर बाड़ी एवं चुरकुंडा में अवैध खनन स्थलों की जांच की गई। निरीक्षण में सीओ अमृता कुमारी के साथ एसडीपीओ पीताम्बर सिंह खैरवाल, निरसा थाना प्रभारी सह पुलिस निरीक्षक दिलीप कुमार यादव, पुलिस बल मौजूद थे। इस दौरान एसडीपीओ पीताम्बर सिंह खैरवाल ने कहा कि यह रूटीन जाँच है, इसमें हम लोग अवैध खनन स्थलों का मुआयना कर रहे हैं। कापासारा ओसीपी में दर्जनों लोग अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर अवैध खनन करते हैं, जिससे दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। इसी संदर्भ में निरीक्षण किया जा रहा है। सुरक्षा में और कितना बेहतर होगा, इसका रिपोर्ट बनाकर वरीय पदाधिकारियों को भेजा जाएगा। वहीं सीओ अमृता कुमारी ने बताया कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से हम लोग यहाँ पहुँचे हैं, जिसमें देखा गया कि मात्र एक गार्ड सुरक्षा में लगे हुए हैं। इसे और बेहतर कैसे बनाया जाए, इस पर हम लोग विचार कर आगे की प्रक्रिया शुरू करेंगे। यहाँ पे ईसीएल के जो कापासारा जो खदान है वहाँ पे आए हुए थे हम लोग। एसडीपीओ और हम लोग का सेफ निरीक्षण यहाँ पे किया गया है। हम लोग यहाँ पे ये देखने आए थे कि सेफ्टी मेजर से मतलब ईसीएल के द्वारा क्या क्या यहाँ पे सुरक्षा दी गई है। तो अभी हम लोगों ने पाया कि यहाँ पे दो गार्ड है, तो अभी हम लोग ईसीएल से बात भी करेंगे और उनको लेटर पत्राचार भी करेंगे और उनको कहेंगे कि यहाँ पे थोड़ा सेफ्टी मेजर को ज़्यादा मतलब ध्यान में रखा जाए और सुरक्षा जो बल है उनको थोड़ा यहाँ ज़्यादा डेफिनेट किया जाए। देखिए तो रूटीन वर्क है कापासारा ओपन माइंस में, जो कि अनाधिकृत रूप से लोग घुसते हैं कोयला चुनने के लिए, तो उसका हम लोग टाइम टू टाइम में आते हैं यहाँ पर छानबीन करने के लिए। ताज निरसा थाना पर भारी ग्यारकुंड सीओ मैडम और मेरे द्वारा संयुक्त रूप से आके देखा जा रहा है स्थल का कि यहाँ पर क्या परिस्थितियाँ हैं, और जो परिस्थिति देखी है हमने इसमें और क्या बेहतर किया जा सकता है सुरक्षा का मानकों को, तो सीओ मैडम भी इसको देखे हैं और हम लोग इसका विस्तृत रिपोर्ट बनाएंगे ताकि और कैसे सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यहाँ प्रोडक्शन हो और किसी भी प्रकार का घटना दुर्घटना क्षेत्र में ना घटे। सर, सुरक्षा की बात लगातार आ रही है आप लोगों के द्वारा किया जा रहा है, लेकिन ईसीएल द्वारा अभी भी सुरक्षा का कोई व्यवस्था नहीं हो रहा है, क्या कहते हैं इसको, लापरवाही? हम लोग स्थल जाँच कर रहे हैं और उनकी क्या क्या कार्य हैं, कैसे उनको करना है। ओपन माइंड से चूँकि ये तो बंद नहीं है, उनसे हम लोग बात करेंगे। हम लोग भी यहाँ पर मीटिंग करेंगे जॉइंट उनसे और जो हम लोगों ने पाया और उन लोगों के स्तर से क्या इसमें और सुधार किया जा सकता है, इसका हम लोग डिटेल बात करेंगे। और थाना प्रभारी इंस्पेक्टर हैं यहाँ, सीओ मैडम, हम लोग सभी जगह क्षेत्र में घूम के आज देख रहे हैं, और भी क्षेत्र में जाके हम लोग देखेंगे और विस्तृत रूप से एक रिपोर्ट बनाएंगे कि और इसमें क्या बेहतर किया जा सकता है सुरक्षा के दृष्टिकोण से।